हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग अपना मॉर्निंग का करंट अफेयर का सेशन कर रहे हैं। मॉर्निंग का करंट अफेयर का जो सेशन होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं बहुत सारे डेटा पॉइंट की न्यूज़ भी रखता हूँ, इसके साथ साथ मैं बहुत सारे आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन कराता हूँ, जिनका मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे डिटेल में आंसर करता हूँ, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर करा करिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, आप लोग उसका आंसर करिएगा, मैं उसका आंसर यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, ई कॉमर्स वेबसाइट Amazon 2025 तक कितने बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेगी। तो ई कॉमर्स जो Amazon वेबसाइट है वो 2025 तक की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेगी। कितने? 2 बिलियन डॉलर का, ठीक है ना। तो यहां ध्यान रखिएगा, 2 बिलियन डॉलर का। अब 2 बिलियन डॉलर मतलब 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट करेगी, भारत से सामान बाहर भेजेगी, यूएसए भेजेगी, अलग अलग देशों में भेजेगी, ठीक है ना। मतलब जो सामान होंगे वो इंडियन मेड होंगे, ठीक है ना, मेड ऑफ इंडिया होंगे। क्या होंगे? मेड ऑफ इंडिया, मेड ऑफ इंडिया, जो जितने भी सामान होंगे मेड ऑफ इंडिया होंगे। इसका मतलब ये है कि भारत के जो खुद के कारीगर होते हैं वो जब सामान बनाएंगे, वो जो सामान होगा वो अमेज़न बाहर भेजेगी। कब तक? 2025 तक उसने लक्ष्य रखा है, कितने बिलियन डॉलर का? 2 बिलियन डॉलर का व्यापार जो है वो बाहर भेजेगी, ठीक है ना। उसमें छोटी छोटी जो की पॉइंट्स है वो क्या क्या है? की पॉइंट्स है उसमें कि आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान होगा, ज्वेलरी का सामान होगा, बुक्स का होगा और बेबी प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है ना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी जो अपैरल है वो भी आप इसमें शामिल होंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं अमेज़ॉन की, तो अमेज़ॉन कहाँ की कंपनी है? अमेज़ॉन जो है वो, मैं अमेज़ॉन की बात करता हूँ, अमेज़ॉन कहाँ की कंपनी है? अमेज़ॉन जो है वो यूएसए बेस्ड कंपनी है। कहाँ की? यूएसए बेस्ड कंपनी है। और कभी कभी आपसे इसके एग्जामिनेशन में बैंक एग्जामिनेशन आते हैं, तो उसमें इसके आपके MD, CEO एंड फाउंडर पूछ सकते हैं। तो उस समय जो फाउंडर हैं वही इस समय के क्या हैं? MD भी हैं, ठीक है। जो फाउंडर है अमेज़न के वही MD भी है, और कौन है? जेफ बेजोस। नाम ध्यान रखिएगा, नाम है इनका जेफ बेजोस, ठीक है, जेफ बेजोस इनका नाम है, ठीक है, अमेज़न के जो फाउंडर है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, MD भी वही है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? सेकंड क्वेश्चन कहता है, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने CAA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करी है? अभी हाल ही में आप सभी को पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, केरल राज्य ने ऐसा किया है। और केरल राज्य ने क्या किया है? केरल ने CAA के खिलाफ, मतलब सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून, हिंदी में बोलते हैं नागरिकता संशोधन कानून या इंग्लिश में बोलते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसके खिलाफ जो है अर्जी दायर करी है। और कौन सा आर्टिकल? अगर आपसे आर्टिकल पूछ सकते हैं कि आर्टिकल बताइए किस आर्टिकल के तहत इन्होंने किया है, तो आर्टिकल आप बताओगे 131। किस आर्टिकल के तहत? 131 क्या कहता है कि अगर राज्य सरकार, एक राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डिस्प्यूट है, या फिर केंद्र सरकार या कई राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है किसी तरह का, तो वो मामला किसके तहत आता है? आर्टिकल 131 के तहत आता है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 131 के तहत आता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी हाल ही में एक और राज्य ने एक नए एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करी है, वो मैं आपको बता देता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य ने, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने भाई NIA एक्ट के तहत, ये इस क्वेश्चन में नहीं, अलग से मैं बता रहा हूं, NIA एक्ट 2008 के तहत, ठीक है, NIA 2008 एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी दायर करी। अगर आपसे पूछता है NIA एक्ट 2008 के खिलाफ किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर करी है, तो वो कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़ है, हम यहाँ छत्तीसगढ़ लगाओगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग सीएम के बारे में बात कर लेते हैं। जो केरल राज्य के सीएम है वो कौन है? पिनाराई विजयन
विजयन है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो भूपेश बघेल है। कौन है? भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दोनों बातें यहां पे आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि CAA जो अभी बोला जा रहा है कि किस आर्टिकल का उल्लंघन करता है अपने संवैधानिक, जो लोग बोल रहे हैं कि इस समय जो संविधान को उल्लंघन कर रहा है तो किस आर्टिकल के उल्लंघन कर रहा है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। जो CAA है वो आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है। ठीक है, किसका उल्लंघन कर रहा है? आर्टिकल 14 का। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट टू इक्वालिटी, समता का अधिकार। समता का अधिकार क्या होता है? आप किसी भी, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर आपकी क्या कहते हैं केंद्र सरकार हो या कोई भी पर्सन हो, किसी भी धर्म, जाति, मूल, रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? यही चीज कहता है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग पढ़िएगा और उसका आंसर करिएगा। आप लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर थर्ड है, बिहू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहू त्यौहार जो अभी है मनाया गया है, और किस राज्य में मनाया गया? असम राज्य में मनाया गया है। ठीक है ना, असम राज्य में मनाया गया है, असम राज्य में ये मनाया गया है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है इस वजह से कि देखिए बिहू तो वैसे भी असम का एक नेशनल फेस्टिवल है, मतलब राजकीय फेस्टिवल है, लेकिन क्या है ना कि असम में एक बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये इस समय भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि असम के ज्यादातर नागरिकों ने क्या किया है, अपना बिहू त्यौहार तो मनाया है, साथ साथ उसका कुछ CAA का विरोध कुछ इस तरह से जाहिर किया है, अपने त्यौहार बिहू के जरिए इन्होंने क्या किया है, अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। जैसे इसमें क्या होता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट की बहुत सारी चीजें बनती हैं, तो वो सब क्या करी है, ये उसका भी जो बनाई गई है या फिर उसमें जो स्लोगन्स लिखे गए हैं वो NTCAA लिखे गए हैं। ठीक है, मेरा बताने के बाद इतना सा मतलब था। असम के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। असम के ये कौन है, इस समय के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल है। ठीक है, सर्बानंदा सोनोवाल कौन है? प्रेजेंट टाइम के सीएम है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। असम की राजधानी कौन है? कुछ लोग गुवाहाटी लगाते हैं पर गुवाहाटी इसकी राजधानी नहीं है, दिसपुर है राजधानी। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करते हैं तो दिसपुर इसकी राजधानी, गुवाहाटी मत लगा दीजिएगा, बहुत लोग गुवाहाटी लगा देते, गुवाहाटी नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कहते हैं? फोर्थ क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। 14 क्वेश्चन क्या कहता है? पॉस्को एक्ट का पूरा नाम क्या है? तो पॉस्को एक्ट का अभी पूरा नाम पूछा गया है, पॉक्सको एक्ट है, तो है POCSO, पॉक्सको एक्ट होता है। ठीक है ना, ये पॉक्सको एक्ट जो भी होता है ये एक माइनर जो एडल्ट नहीं होता है उसके लिए, बेसिकली उसके प्रोडक्शन के लिए एक्ट होता है। इसका फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं और वही क्वेश्चन में पूछा भी गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। अच्छा, कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि जो पॉक्सको एक्ट है वो केवल जब किसी माइनर बच्चे का या फिर लड़का या लड़की जो भी होता है 18 साल से कम होता है, अगर आप किसी माइनर बच्चे को इवन असॉल्ट करते हो या फिर अब्यूज करते हो तो भी ये पॉक्सो एक्ट लग सकता है। ठीक है ना, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ हो तभी ये पॉक्सो एक्ट लगता है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो केस है ये 2017 का केस है। इसमें क्या हुआ था, एक बिजनेसमैन था तो उसने एक माइनर जो गलती 17 साल की थी, ठीक है ना, तो उसको अब्यूज भी किया था और उसके चेस्ट पे अपना पैर भी रख दिया था, उसके शोल्डर पे भी अपना पैर रख दिया था, तो इस वजह से वहां पे जो केस दर्ज हुआ था वो पॉक्सको एक्ट के अंदर दर्ज हुआ था और अभी उस बिजनेसमैन को 3 साल की जेल हो चुकी है। ठीक है ना, तो पॉक्सको एक्ट को बहुत ध्यान रखना है, सिर्फ रेप डिफाइंड नहीं है, ये जो है माइनर अब्यूज से भी रिलेटेड करता है। ठीक है, तो इतना यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, मेरा सर बताने का इतना सा मतलब था। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा।
पांचवा क्वेश्चन कहता है लोकमत अवार्ड हाल ही में किसे दिया गया है, तो लोकमत जो अवार्ड है वो चंदन हेगड़े को दिया गया है। चंदन हेगड़े, ध्यान रखना है, लोकमत अवार्ड अगर आपसे पूछ लेते हैं लोकमत अवार्ड किसे दिया गया है, लोकमत अवार्ड, ठीक है, लोकमत अवार्ड जो है वो किसे दिया गया, एक्चुअली ये महाराष्ट्र का एक अवार्ड है, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है, ये नेशनल नहीं है, ये महाराष्ट्र राज्य का खुद का अवार्ड है। लोकमत अवार्ड जो दिया गया है वो चंदन हेगड़े को दिया गया है, किसे दिया गया, चंदन हेगड़े को दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चंदन हेगड़े इंडियन एक्सप्रेस से एक एडिटर है, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर है, इंडियन एक्सप्रेस के ये कौन है, एडिटर है, इनको दिया गया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। इन्होंने लिखा था एक मिसिंग सिंस 2010 पुणे यूथ आर मोस्ट कमांडर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। ये आर्टिकल के ऊपर इनको बेसिकली क्या हुआ था, इस आर्टिकल के ऊपर ही इनको जो है लोकमत अवार्ड दिया गया है, ठीक है। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कहता है, सिक्स्थ क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। छठा क्वेश्चन कहता है आरबीआई ने भारत की ग्रोथ रेट 2019-20 के लिए कितनी रखी है, जो अगले क्वार्टर के लिए आरबीआई ने अपनी ग्रोथ रेट रखी है वो कितनी रखी है, ये आपको बताना है। तो आरबीआई की तरफ से जो रखी गई है ग्रोथ रेट वो 5% की रख दी गई है, ठीक है ना, मतलब भारत की जीडीपी जो है बहुत तेजी से नीचे गिर रही है, जबकि अपने जो जीडीपी होनी चाहिए थी, जो इकोनॉमी होनी चाहिए थी, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी वो बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए, नियर अबाउट 7% से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन अभी क्या है कि सिनेरियो बहुत ही गलत चल रहा है, अपने जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं उनमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है। इसके साथ साथ बात करें मैं खुदरा में जो महंगाई दर है वो भी 7% के ऊपर चली गई है, जबकि 6% से जब ऊपर जाती है तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है, और इस समय क्या है 7% के ऊपर जा चुकी है, तो आप समझ सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा इस समय महंगाई चल रही है, ठीक है। खुदरा महंगाई दर क्या होती है, जैसे जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं या फिर आपके जो डेली प्रोडक्ट होते हैं, आप सिंपल भाषा में समझो तो आपकी वो चीज़ें होती हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन उसी के ऊपर है, खुदरा महंगाई दर भारत की कितनी पहुंच गई है, जो खुदरा महंगाई दर है वो प्रेजेंट टाइम में पहुंच गई है 7.35%। देखिए एक्चुअल में डाटा एक्यूरेट डाटा आपको पता होना चाहिए, 7% आएगा वहाँ पे, 7.5% आएगा, 8% आएगा, 7.25% आएगा, 7.35% आएगा, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 7.35% लगाना है, 7.35% लगाया है खुदरा महंगाई दर जो होगी, ठीक है, जो आपके डेली प्रोडक्ट होते हैं खाने पीने के रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो आपको ध्यान रखने हैं। चलिए इसके साथ साथ सिर्फ खाने पीने के नहीं, जो आपका शैम्पू सर्फ वगैरह ये इस्तेमाल होती हैं ये भी खुदरा महंगाई दर में ही आती हैं। आठवां क्वेश्चन है भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा, तो ये अबू धाबी में आयोजित होगा। भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वो अबू धाबी में क्या होगा, अबू धाबी में जो होगा आयोजित होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा अबू धाबी जो है वो किसकी राजधानी है, ये आपको बताएंगे यूएई की, यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई का फुल फॉर्म अगर कभी आपसे पूछ सकते हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इसका फुल फॉर्म है यूएई का, ठीक है, संयुक्त राज अमीरात, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राज अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी, ठीक है, और जो अभी शिखर सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, अबू धाबी में, इसकी राजधानी में ही होने वाला है। अच्छा कुछ लोग दुबई को अलग से एक शहर वो मानते हैं, एक देश मानते हैं, जबकि दुबई जो है वो यूएई की ही एक सिटी है, यूएई की एक सिटी है बच्चे, क्या है सिटी, दुबई, दुबई कौन क्या है, दुबई अलग से एक देश नहीं है, दुबई इसकी सिटी है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसको 2018 में जो है अबू धाबी और दुबई को दोनों को ही एक डिजिटल सिटी का खिताब मिला था, 2018 की बात है, ये अभी की बात नहीं है, ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। यूएई के बारे में थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं, इसकी जो है राजधानी तो आपको पता ही चल गई होगी, मुद्रा क्या है, मुद्रा दिरहम है, मुद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, कई कई क्वेश्चन में पूछ लेते हैं मुद्रा क्या है भाई, तो मुद्रा दिरहम है, ध्यान रखना है, मुद्रा क्या है, दिरहम, इंग्लिश में इस तरह से लिख सकते हैं दिरहम, ठीक है। और इसके राष्ट्रपति कौन है, खलीफा बिन जायद, तो राष्ट्रपति का नाम मैं लिख देता हूं, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल मक्तूम, खलीफा बिन
जायद अल मक्तूम, अल मक्तूम, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा नाम है लेकिन आप खलीफा बिन जायद से भी याद रख सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का नाम है मोहम्मद बिन राशिद, ठीक है। तो यूएई के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? प्रधानमंत्री का नाम आपसे पूछ सकते हैं, तो मोहम्मद बिन राशिद नाम है, मोहम्मद बिन राशिद, मोहम्मद बिन राशिद नाम है, ठीक है। इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अपने नवे क्वेश्चन पे चलते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है? आईसीसी के एक दिवसीय मैच के कप्तान कौन घोषित किए गए हैं? जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, उसके एक दिवसीय मैच के जो है कप्तान है वो कौन घोषित किए गए? तो आप सभी को पता होगा, आंख मूंद करके लगा दीजिएगा, विराट कोहली, ठीक है ना। विराट कोहली लगा दीजिएगा, विराट कोहली। अब क्या है बेसिकली, जो विराट कोहली है वो आईसीसी में, आईसीसी के वनडे मैच के, एक दिवसीय मैच कहते हैं, वनडे मैच के जो है वो कप्तान घोषित किए गए हैं। सिर्फ वनडे के ही नहीं घोषित किए गए हैं, साथ साथ इसके अगले दिन आ गया था न्यूज में कि प्लस टेस्ट मैचेस के, जो टेस्ट मैच होते हैं उनके भी कप्तान घोषित किए गए हैं, किसके? आईसीसी की तरफ से, ठीक है ना। तो यहां आपको ध्यान रखना है, आईसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका पूरा नाम है। आईसीसी का अगर आपसे पूछ सकते हैं कि मुख्यालय कहां पे है, तो मुख्यालय है इसका दुबई में। क्या है, कहां है भाई? मुख्यालय है इसका कहां है? दुबई में, ठीक है। और शशांक मनोहर कौन है? शशांक मनोहर जो है वो प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के कौन है? प्रेसिडेंट है। तो आईसीसी के आपसे प्रेसिडेंट पूछ लेते हैं, प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट का नाम बताओगे आप, शशांक मनोहर है। शशांक मनोहर, शशांक मनोहर कौन है भाई? प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के क्या है? प्रेसिडेंट है। और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है वो आप सभी को बताओ, सौरभ गांगुली है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 9 क्वेश्चन हो चुके हैं। जो मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था वो उसको डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में कितने भारतीय शामिल हैं? मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे दिया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। पूछा गया था कि आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में कितने भारतीय शामिल हैं अब तक? तो अब तक जो है वो 6 भारतीय शामिल हो चुके हैं। कितने भारतीय? 6 भारतीय, ध्यान रखना है, 6 भारतीय जो है वो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में, आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल हैं। अगर आप लोग नाम लिखना चाहते हैं तो नाम भी लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आ सकता है आपसे 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल कौन से नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला नाम मैं आप लिखता हूं, राहुल द्रविड़, राहुल द्रविड़, ठीक है, राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर, सचिन, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तीसरा है आपके कपिल देव, कपिल देव। चौथा है बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी, बिशन सिंह बेदी है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सुनील गावस्कर, सुनील गावस्कर। और इसके बाद बात करते हैं, छठे हो जाएंगे आपके सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अनिल कुंबले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग सोचते होंगे अनिल कुंबले को कहां से मिल जाएगा, लेकिन अनिल कुंबले जो है 6 प्लेयर जो है ये आपके सामने डिफाइन मैंने कर दिए हैं जो आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में है। बस केवल अब तक इतने ही भारतीय आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में, एक बहुत बड़ा सम्मान माना जाता है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना। सबसे ज्यादा जो इस समय प्रेजेंट टाइम में खिलाड़ी हैं वो ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ द फेम में शामिल है, नियर अबाउट 20 से ऊपर है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करा करिए अपने दोस्तों से, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।